उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द होने वाला है। सूत्रों की माने तो 5 मार्च को संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में राष्ट्रीय लोकदल से 2, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से 1 और बीजेपी से 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें पिछले काफी समय से चल रही हैं, ऐसे में सभी की निगाहें अब 5 मार्च पर टिकी हैं। सूत्रों की माने तो ये छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें राजभर की पार्टी से 1, जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी से 2, बीजेपी से दारा सिंह चौहान के अलावा 2 और चेहरे को मौका मिल सकता है। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन वो चुनाव जीत नहीं सके थे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर काफी समय पहले एनडीए में शामिल हो गए थे। वह बीजेपी आला कमान से भी मुलाकात कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें यूपी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर कई बार वह खुलकर नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब तक मैं राजपाट नहीं ले लेता तब तक मैं होली नहीं मनाऊंगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर भी सफाई दी। केंद्रीय नेतृत्व तो जब ओम प्रकाश राजभर को दोबारा बीजेपी के खेमे में ला रहा था तो पहली शर्त यही थी कि राजभर को तुरंत मंत्री बनाया जाएगा, मगर योगी आदित्यनाथ इसके लिए राजी नहीं थे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने संबंध ठीक करने की भी सलाह दी थी। ऐसे में उम्मीद है कि अब जल्द ही राजभर मंत्री बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी, उत्तराखंड।